दोस्तों नमस्कार, जय महाकाल। आप लोगों का स्टॉक मार्केट लर्नर में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज ये छोटी सी एक वीडियो अपडेट कर रहा हूँ मार्केट को लेके, क्योंकि मार्केट में जो लेवल्स हमने सोचे थे और जिन लेवल्स को हमने अपने चार्ट पे ड्रॉ किया था, करीब करीब वहां पे मार्केट ने आज उसको टच किया है निफ्टी ने। और ये लाइव मार्केट में मैं आज 7 मार्च को ये वीडियो एक अपलोड कर रहा हूँ, मैसेज दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आगे की कैसे अब रणनीति रखें। तो मेरा ये कहना है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बिल्कुल भी अपने पोर्टफोलियो को ना बेचें और पोर्टफोलियो में बने रहें। सिर्फ ऐसा मान के चलें कि मार्च का महीना एक तरीके से आप लोगों के लिए हॉलीडेज है, छुट्टियां हैं, छुट्टियों को एंजॉय कीजिए। मार्केट को ज्यादा वॉच नहीं करना है पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। और जिन लोगों ने ये सोचा हुआ है कि हम मार्केट में स्विंग ट्रेड करेंगे या पोजीशंस ले लेके बैठेंगे और उनपे ट्रेड करेंगे, उनके लिए मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि वो बिल्कुल ऐसा ना करें। वो सिर्फ इंट्राडे पे फोकस करें। मार्केट में कुछ भी ओवरनाइट के लिए ले जाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मार्केट कभी भी आपको गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग दे सकता है। और वहां से आपकी पोजीशंस में अगर हेजिंग नहीं है तो वो एक आपको मुसीबत में डाल सकता है दोस्तों। और दूसरी एक बात ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, मार्केट ने जो यहाँ पे, मैं बार बार इसको पॉइंट को आप लोगों को दिखाता हूँ जब भी वीडियो मैं शेयर करता हूँ इस चार्ट पे, कि 18,600 पे बिल्कुल हैवी वॉल्यूम्स थे आप देख सकते हैं नीचे, और उसके बाद से वॉल्यूम्स में बहुत गिरावट है। यानी कि कहीं ना कहीं एक फियर तो बन गया है, क्योंकि यहाँ सप्लाई हुई थी और यहीं से अक्टूबर से वो डायरेक्ट मार्केट धीरे 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 नीचे चला। और जो मैंने ये लेवल्स दिए थे आपको, आज मार्केट ने यहाँ पे अपने लेवल्स पे टच किया है और मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिबाउंड करके रिकवरी के मोड में अभी चल रहा है। 15,930 के आसपास निफ्टी कामकाज कर रहा है। और दूसरा जो लेवल है, ये चैनल है दोस्तों, मैं फिर से एक बार इस चार्ट को दिखा रहा हूं आपको, प्लीज देखिए इसको समझिएगा। ये एक, अगर आपको याद हो तो ये लेवल्स हैं जहां पे हमने ये चैनल ड्रॉ किया हुआ है, 15,750 से 15,305 वाला, मोटा मोटा 15,300 मानिए। इस चैनल में कहीं ना कहीं एक बार फंसना चाहिए मार्केट, क्योंकि आज नहीं फंसा। ये इसलिए नहीं कि आज इसने टच किया है तो अगर इसके ऊपर ही मार्केट निकल जाए तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि यहां नहीं आएगा। यहां आने के पूरे पूरी संभावना अब बढ़ गई है। और मार्केट का कहीं ना कहीं यहाँ पे ही एक मार्केट को, जिसे कह सकते हैं कि अपने आप को फॉर्म्ड करके, सेटअप करके, यहां से फिर हम मार्च एंड के बाद से, अप्रैल फर्स्ट वीक या मार्च एंड से ही एक अच्छी बाइंग की तरफ देख सकते हैं निफ्टी को। लेकिन फिलहाल अभी ये चैनल फॉर्मेशन बाकी है, जो ये मैंने एक चैनल पहले से जो ड्रॉ किया था, आप हमारी लास्ट वीडियो में भी देख सकते हैं, उससे लास्ट वीडियो में भी देख सकते हैं। जब भी मैंने इस चार्ट की चर्चा करी है, और ये निफ्टी के डेली चार्ट में मैं बात कर रहा हूं, और इसके बाद में जो मैंने बताया था कि अगर यहां से मार्केट गिरता तो गंदे से गंदा जो मार्केट का एक लेवल होगा वो ये है, मैं आपको फिर से एक बार दिखाई दे रहा हूं, और वो मार्केट का लेवल है 13,168। ये जो लास्ट में मैंने फॉर्म्ड किया हुआ है दोस्तों, ये देखिए आप, लास्ट पिछली वीडियो भी जो थी हमारी, जिसमें हमने शेयर बाजार का परिदृश्य 2022 के लिए दिया था, यानी कि एक पूरा एनालिसिस था उसमें 2022 के लिए, कि 2022 2015 की तरह एक न्यूट्रल ईयर रहने वाला है, और स्टार्टिंग फेज जो होगा वो फर्स्ट हाफ वो कहीं ना कहीं उठा पटक और रिकवरी मोड में रहेगा, और लास्ट फेज में ही, यानी कि सेकेंड हाफ में ही बहुत अच्छा से कामकाज देखने को मिलेगा बुल्स के लिए। ओवरऑल ट्रेंड बियरिश है दोस्तों अभी। और दूसरी बात यह है कि मार्केट में रसिया यूक्रेन की जो कूटनीति है, उस कूटनीति में अमेरिका कहीं ना कहीं सक्सेस हुआ, और अमेरिका की कूटनीति में दोनों अच्छे देश और भिड़ बैठे और कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर बैठे हैं। और वो कूटनीति कहीं ना कहीं क्रूड को लेकर जो अमेरिका की थी, वो अमेरिका उसमें कामयाब रहा, क्योंकि आने वाले गत 5 से 6 वर्ष में आपको भी मालूम होना चाहिए कि ईवी व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का
कहीं ना कहीं दबदबा मार्केट में बनने वाला है और आने वाले 6-7 साल में, क्योंकि वो मार्केट कैप्चर करेंगे तो क्रूड की एक इंपॉर्टेंस, क्रूड की एक डिमांड कहीं ना कहीं कम हो जाएगी और जो स्टोरेज कैपेसिटी है अमेरिका की वो इतनी ज्यादा है कि वो ज्यादा से ज्यादा महंगे प्राइस पे सप्लाई करने की उन्होंने ठानी हुई है और उसी कूटनीति का शिकार रसिया यूक्रेन हुए। रसिया अपने आप में बहुत अच्छा सप्लायर है क्रूड का, मिडिल ईस्ट बहुत अच्छा सप्लायर है, इसके अलावा अमेरिका है और अमेरिका कहीं ना कहीं क्रूड में बहुत अच्छी वैरायटी भी रखता है। और मैं आपको बता दूं 171 वैरायटी क्रूड में होती है दोस्तों। मैं क्या बताऊं, सभी लोग जानते हैं, जो भी मार्केट के अच्छे ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं वो मेरे से ज्यादा ज्ञान रखते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक अपडेशन दे रहा हूं, प्लीज इसको शेयर कीजिए वीडियो को, सभी लोगों का इसमें एक बेनिफिट हो और मार्केट में सभी लोग इस चीज के लेवल्स को जान सकें। प्लीज वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका फायदा ले सकें। और ये जो लेवल है, ये जो चैनल है, बस इसका ध्यान रखिएगा, 15700 से 15300 वाला, ये बहुत अच्छी फॉर्मेशन के साथ में मार्केट यहां से रिकवर कर सकता है मार्च एंड तक। लेकिन अगर मार्केट यहां से भी गिरा तो बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि 13168 वाला ये वो लेवल होगा जहां पे 101% बॉटम बनना चाहिए। मैं 100% सही नहीं हो सकता, लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि ये कैलकुलेशन में मार्केट को काम करना चाहिए दोस्तों। यही अपडेशन था इस वीडियो में। प्लीज एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करें, खराब स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें, ट्रेडर ओवरनाइट पोजीशंस लेके ना जाएं, इंट्राडे पे फोकस करें और स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। इसके अलावा ज्यादा चीजें प्लान ना करें, प्लानिंग करने का टाइम जब आएगा हम जरूर वीडियो लेके आएंगे दोस्तों। इसी के साथ अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।